हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन में। और जैसे कि आपको पता है, हम कर रहे थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमने कर लिया था रेस्पिरेटरी ट्रैक और हम पहुंच गए थे लंग्स पर, लंग्स की स्ट्रक्चर पर। किया नहीं था और इस वीडियो में वो करेंगे। मैंने ये पहले लंग्स की डायग्राम और इसकी लेबलिंग करके रख रही है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए, ये है हमारे लंग्स, लंग्स की डायग्राम बनाइए। तो जो ये है हमारे ट्रैकिया जो उस दिन हमने दिखाई थी, जो आ रही थी। और आपको अगर इससे पहले वाला पार्ट देखना हो, अगर आपको यहाँ से सीधा नहीं समझ आ रहा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप वहाँ से इसका पहले वाला पार्ट देख लें और फिर पार्ट टू को समझें, ठीक है। तो ये हमारी ट्रैकिया आ गई। तो जो ट्रैकिया है वो आते आते अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक राइट लंग में चली गई और लेफ्ट लंग में चली गई, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड हो गई हमारी ट्रैकिया, एक राइट लंग में चली गई और एक लेफ्ट लंग में चली गई। तो आगे ये डिवाइड करती जाएगी, डिवाइड एंड रीडिवाइड, ठीक है। तो करती जाएगी और काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे पहले ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई और यहाँ से तो ये क्या हो गए, ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकस। अब जब ये डिवाइड कर जाती है तो एक ब्रोंकस बन जाता है, ट्रैकिया से ब्रोंकस बन जाता है। और पहले वाली जब डिवाइडेशन होती है तो उसे कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। और प्राइमरी ब्रोंकस आगे डिवाइड होकर बना देता है सेकेंडरी ब्रोंकस, और सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है, आगे डिवाइड होकर बना देते हैं टर्शियरी ब्रोंकस, एंड टर्शियरी ब्रोंकस आगे डिवाइड होकर बना देते हैं क्वार्टरनरी ब्रोंकस। मैंने ये सिर्फ एक साइड दिखाया है, इस साइड भी बिल्कुल ऐसे ही फिनोमिना होता है, ठीक है। तो बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी और टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक साइड में शो कर दिया, ठीक है। तो क्वार्टरनरी ब्रोंकस बन जाएंगे टर्शियरी ब्रोंकस से और आगे बन जाएंगे ब्रोंकियोल्स। तो ऐसे चलता रहेगा, क्वार्टरनरी, आगे पेंटरनरी, ऐसे ऐसे लास्ट में आकर बन जाएगा ब्रोंकियोल्स, जिसके साथ अटैच होते हैं एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक्स, ठीक है। ये होते हैं एल्वियोलाई। मेन जो फंक्शन है, जो मेन काम है, वो इन्हीं का है। जो आपको ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं एल्वियोलाई, इसे कहते हैं एल्वियोलाई और हम कह सकते हैं इसको एल्वियोलर सैक। मेन जो पर्पस है वो यही करते हैं, ठीक है ना। इसमें सभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो ब्रोंकियोल्स के साथ लग जाते हैं एल्वियोलाई, ठीक है ना। और एक लंग में कम से कम 150 मिलियन के करीब ये जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, 150 मिलियन, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका साइज है वो कितना छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, इसलिए इतने सारे आ गए ना हमारे लंग्स में, ठीक है। और जो लंग्स होते हैं वो हमारे थोरेसिक कैविटी में होते हैं। अगर आपको पता होगा, हमारा जो धड़ है, मतलब जहाँ कह सकते हैं हमारे कमर, गर्दन से लेकर कमर तक का जो पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है आगे, एक थोरेसिक कैविटी और एक एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी होती है जिसमें हमारा पेट होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को सेपरेट करते हैं, जो इन दोनों को एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करता है, वो होती है एक मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं डायाफ्रेगम। एक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है जिसको कहते हैं डायाफ्रेगम। तो आप लंग समझ रहे थे, तो आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि एल्वियोलाई बन जाते हैं, ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एंड में अटैच होते हैं, ठीक है। तो अब जो आपको दिख रहा होगा, मैंने ये दो लेयर बनाई है, लंग्स डबल लेयर्ड है, ठीक है। तो जो बाहर वाली लेयर है लंग्स की, इसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो अंदर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इसको कहते हैं विसरल मेम्ब्रेन। क्या? बाहर वाली को प्लूरल मेम्ब्रेन, अंदर वाली को विसरल मेम्ब्रेन, ठीक है। और दोनों के कॉम्बिनेशन को, प्लूरल मेम्ब्रेन एंड विसरल मेम्ब्रेन के अगर कॉम्बिनेशन को हम कह देते हैं प्लूरा, ठीक है। और जो ये दोनों मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को कह देते हैं प्लूरल कैविटी। कैविटी क्या होती है? जहां भी कोई स्पेस होती है, ठीक है। तो इस दोनों के बीचकार जो स्पेस है उसको कह देते हैं प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूड है जो फिल होता है। और प्लूरल फ्लूड का काम क्या होता है? जब कंट्रैक्ट जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, तो इनके बीचकार जो क्या है, फ्रिक्शन लगती है, तो उन फ्रिक्शन को ये कम कर देता है,
ये है काम, ठीक है। प्लूरल फ्लूड का, जैसे हम किसी मशीनरी में लुब्रिकेंट डालते हैं ताकि उसकी जो फ्रिक्शन है, उसकी रगड़ है, वो कम हो जाए, उसी तरह हम ने देखा कि जो हमारे लंग्स की दो लेयर हैं, उसके जो बीच में है वो प्लूरल फ्लूड भरा होता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में फ्रिक्शन नहीं लगती। तो ये है। और अगर आपको दिख रहा हो तो ट्रैकिया जो है और जो ब्रोंकस हैं, ठीक है, अब देख रहे हैं उनके जो उनके बाहर एक रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर बने हुए हैं, दिख रहा है ना, ये रिंग्स सी शेप्ड रिंग्स हैं, ठीक है, हाफ सी शेप्ड रिंग्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ट्रैके को पकड़ कर रखते हैं ताकि जब ट्रैके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और जब रिलैक्स करे तो ये आपस में चिपक ना जाए ट्रैकिया, ये बिल्कुल ऐसे सिकुड़ ना जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या है, ये जो रिंग्स है इसको वहीं पर पकड़ कर रखते हैं और इनको कहते हैं इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स। ये रिंग है ना, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स। कार्टिलेजनस एक टिश्यू की टाइप है जिससे ये रिंग्स हमारी बनी होती हैं, ठीक है। और आगे अब ये दो लंग्स हैं, इन लंग्स के देखिए एक जो बिचकार है एक खाली जगह है, ठीक है, लंग्स के विचकार एक खाली जगह है और उसको हम कहते हैं मेडियस्टिनम। जो ये खाली जगह है इसको कहते हैं मेडियस्टिनम, और मेडियस्टिनम क्या होती है, स्पेस बिटवीन टू लंग्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट हमारा दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये देखिए, तो इसी वजह से हमारा हार्ट है जो लेफ्ट लंग की तरफ होता है, हार्ट हमारा लेफ्ट लंग की तरफ होता है और इसीलिए लेफ्ट लंग हमारा छोटा होता है राइट लंग से, ठीक है। तो अगर आपको दिख भी रहा होगा तो जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा यहाँ से अंदर को है, ठीक है, ऐसे है थोड़ा सा अंदर को, ठीक है। तो यहाँ एक नोच सी बन रही है, ये वाली एक नोच बन रही है ना, और इस नोच को बोलते हैं कार्डियक नोच, कार्डियक नोच, ठीक है। तो हमारा हार्ट इसके बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए लेफ्ट लंग राइट लंग से छोटा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर, के लंग्स होते क्या हैं, ठीक है ना, समझ आ गया आपको लंग्स क्या होते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ट्रैकिया आई, दो पार्ट में डिवाइड हुई, प्राइमरी ब्रोंकस बने, प्राइमरी ब्रोंकस से सेकेंडरी ब्रोंकस बने, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से क्वार्टरनरी, ऐसे चलते जाएंगे और लास्ट पर आ जाएंगे ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो ब्रोंकियोल्स बन जाएंगे और ब्रोंकियोल्स के साथ अटैच होते हैं एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक, ठीक है। तो यही जो मेन है वो फंक्शन है, यही परफॉर्म करते हैं, इनका ही मेन काम होता है हमारे लंग्स में। और जो हमारे लंग्स है वो डबल मेंबर्ड होते हैं, ठीक है, डबल लेयर्ड होते हैं हमारे लंग्स। जो बाहरली मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं विसरल मेम्ब्रेन, और दोनों के कॉम्बिनेशन को कह देते हैं हम प्लूरा, ठीक है। जो प्लूरा है, ठीक है, उनके बीच में एक स्पेस होते हैं जिसको कहते हैं प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी किससे भरी होती है, प्लूरल फ्लूड से, जो क्या कम करती है, फ्रिक्शन कम करती है। दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको कहते हैं मेडियस्टिनम, ठीक है, जहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है और हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट लंग की तरफ प्रेजेंट होता है, तो लेफ्ट लंग जो है राइट लंग से छोटा होता है, ठीक है। और जो ये नोच बन जाती है हार्ट के कारण उसको कहते हैं कार्डियक नोच, और इनके नीचे होता है डायाफ्रेगम, ठीक है। जब डायाफ्रेगम होता है, ठीक है, अब मैंने बताया था कि एक लंग में कम से कम, और हम कह देते हैं एक एवरेज ही 150 मिलियन के करीब जो है ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलर सैक्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे लंग्स की स्ट्रक्चर। और जो ट्रैकिया है उसके बाहर एक रिंग्स लगी होती हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स, जिनका काम क्या होता है, लंग्स को जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो एक दूसरे से जो ये ट्रैकिया वो चिपक ना जाए, ठीक है, ट्रैकिया बिल्कुल श्रिंक ना हो जाए, इसको पकड़ कर रखती है ये इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स, ठीक है। तो अगर मैं तो आपको समझा ही गया होगा फ्रेंड्स कि ये है लंग्स की स्ट्रक्चर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।
और कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट है वो टाइप कर दीजिए, हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। और आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो यह लाइक कर दीजिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और हमारे चैनल साईं जंक्शन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जल्दी से ये बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद। Young ones, but we live for, we die for, we